अलवर के सूचना केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। अलवर के गांधी स्वास्थ्य सदन समिति अलवर द्वारा पुराना सूचना केंद्र में संचालित प्राकृतिक चिकित्सा योग केंद्र पर आयुष मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के सौजन्य से 21 मई से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। समिति के मंत्री सुशील जालानी ने बताया कि शिविर में 1000 से अधिक लोगों को योग प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। योग के प्रति आम जन का रुझान होने से अनेक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराने में काफी उत्साह दिखाया है। सोमवार से आरंभ होने वाले इस माह के शिविर की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शिविर 21 मई से 21 जून तक नियमित सूचना केंद्र में स्थित प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पर लगाया जाएगा। शिविर में 10 सत्र रखे गए हैं, जिसमें पहला सत्र सुबह 5 से 6 बजे तक और 5:30 बजे से 7 बजे तक चलेगा। शिविर में प्रसिद्ध योगा शिक्षक डॉक्टर अशोक शर्मा और जितेंद्र सेन और उनके सहयोगी शिक्षक बच्चों द्वारा आमजन के विभिन्न योग प्रक्रिया का निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे। मुख्य समारोह 21 जून 2018 को विशाल पैमाने पर भव्य समारोह के साथ मनाया जाएगा। यह आयोजन आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से गांधी स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जा रहा है। मेरे से पहले अध्यक्ष जी जो कहा है जानकारी लगभग उन्होंने पूरी दे चुके हैं, और एक बात में अतिरिक्त जानकारी है क्योंकि उनका आत्मविश्वास मुझसे ज़्यादा है। यदि अपने जैसे चारित्रिक उसमें भी आप योग जो प्रबल समर्थक है, इनके प्रातः आपके ब्रेकफास्ट से लेकर वो भी पूरी तरह से प्राकृतिक वो उसका ये प्रति रूप है। हाँ, मैं इतनी बात कहता हूँ कि जितनी आपको जानकारी दी है, और मेरा तो इतना सा प्रबंधन में है, मैं इस पूरे कैंप की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस बार पहले से ज़्यादा हमारी तैयारी है, और हमें उम्मीद है पहले से ज़्यादा लोग योगा में आएंगे और बेस्ट जो है प्रदर्शन करने को मिलेगा। यहाँ इतना ही मैं कि ये जो योग हो रहा है ये एक अभियान है, और हम सोच रहे हैं कि पूरे अलवर ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला करके ये उन तक बात अपनी पहुँचाएँ। हम यहाँ पर प्रतिवर्ष 21 मई से 21 जून तक निःशुल्क सुबह और शाम दो दो सेशंस में प्राकृतिक चिकित्सा, योग, प्राणायाम, खान पान, जीवन शैली के बारे में लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, कैंप लगाते हैं। लगातार चौथी साल आयुष मंत्रालय ने हमको नोडल एजेंसी के रूप में अपॉइंट किया है। हम लोग शहर की जनता के लिए, ज़िले की जनता के लिए सेवा करने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि सभी लोग स्वस्थ हों मानसिक और शारीरिक रूप से और जीवन को अच्छे तरीके से जी सकें। ये कैंप सुबह 5 से 6 और 6 से 7 दो सेशन में होगा, और शाम को भी 5 से 6 और 6 से 7 दो सेशन में होगा। कितने दिन चलेगा ये? और ये पूरे 1 महीने तक चलेगा। वैसे 21 मई से 21 जून कल से शुरू हो रहा है। वैसे तो यहाँ 12 महीने ही 365 दिन ही योग और प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा की शिविर क्लासें चलती रहती हैं, लेकिन इन दिनों विशेषकर कैंप के दिनों में और 21 जून को इसका समापन होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा।